This call is now being recorded. देखो अभी तो दो क्लास शायद से मिस हो गई ना तुम्हारी. रिकॉर्डेड आ गया है क्या? रिकॉर्डेड हो गया है क्या अपलोड? कल का मिस हुआ? हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं. कल का इम्पोर्टेंट था थोड़ा. एक बार रिवाइज कर लेना तो समझ आ जाएगा. Let us wait for 1 or 2 minutes फिर चालू करते हैं. Okay. चलो चलो चालू करते हैं. मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ ठीक है. मैंने पिछली क्लास में क्या किया मैं बताऊंगी तो समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन अभी क्योंकि अपन क्वेश्चंस करेंगे पिछली क्लास से कनेक्टेड तो फिर इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ ठीक है. ये कैपएम ही आई थिंक छूटा होगा ठीक है. कैपएम कैसा होता है? थिंक सिस्टमैटिक रिस्क यहाँ पे. हाँ देखो कैपएम इज इक्वल मतलब कैपएम ना एकदम एमपीटी जैसा ही है. इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होती है. फ्रिक्शनलेस मार्केट्स होते हैं मतलब टैक्सेस नहीं होते, कमीशन नहीं होते, फिर इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन में होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन होती है. इन्वेस्टर्स अपने खुद के डिसीजन लेते हैं. कोई भी एक इन्वेस्टर पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और बोरोइंग और लेंडिंग रिस्क फ्री रेट पे होती है ठीक है. सारे के सारे assumptions illogical है बट दीज आर व्हाट आर द assumptions given. अब वो यहाँ पे क्या है ना कैपएम सबसे ज्यादा फोकस करता है बीटा पे. बीटा क्या होता है? बीटा की जहां ये बात हो रही है ना इसका मतलब सिस्टमैटिक रिस्क. अब सिस्टमैटिक रिस्क होती है तो इसमें क्या बीटा का फॉर्मूला होता है ठीक है. हाउ टू फाइंड कि हमारे एसेट के हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें बीटा क्या है. तो बीटा की अगर हमें कैलकुलेशन चाहिए अरे ये रोहित है ज्वाइन इन. देखो रोहित आई एम डूइंग रिविजन ठीक है थोड़ा सा यश के लिए फिर अपन आगे चलते हैं. देखो बीटा है. बीटा क्या होता है? अपना सिस्टमैटिक रिस्क होता है और बीटा का फॉर्मूला ये होता है कोवेरियंस ऑफ असेट्स रिटर्न विथ मार्केट रिटर्न और उसका डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न. या तो ये फॉर्मूला हो सकता है कोरिलेशन ऑफ एसेट्स रिटर्न विद मार्केट रिटर्न इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एसेट रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न. अब ये अपने बीटा क्या होता है ना बीटा तीन तरह का हो सकता है. या तो बीटा होगा ग्रेटर इक्वल टू 1, या तो बीटा ग्रेटर देन 1, या तो बीटा स्मॉलर देन 1. इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है ना वो कल वहां पे ही देख लेना. वो तो वहीं से देख के पता चलेगा क्योंकि यहाँ से मैं समझाऊंगी ना तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी. ये मैं इरेज कर देती हूँ. ये कुछ तो पता नहीं क्यों ऐसा सब है. लेक्चर में मिल जाएगा सब कुछ. जस्ट अ मिनट. अभी सुनो अपना बीटा होता है. बीटा क्या बताता है? सेंसिटिविटी क्या एसेट के रिटर्न की. मतलब एसेट कितना रिएक्ट करेगा मार्केट के चेंजेस पे ठीक है. अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो एसेट कितना चेंज होगा. व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ एसेट जब मार्केट चेंज हो रहे हैं. तो अगर जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहे हैं जैसे समझो मार्केट 10% से बढ़ा तो हमारा एसेट 15% से बढ़ा, मार्केट 10% से गिरा तो हमारा एसेट 15-20% से गिरा समझो। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हमारे जो एसेट्स है वो एकदम वोलेटाइल है। और हमें ऐसा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिकल स्टॉक्स। अगर हमारे स्टॉक ऐसे रिएक्ट करे, एग्जैक्टली मार्केट जैसे रिएक्ट कर दे, अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमारे एसेट भी ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारे एसेट भी नीचे आ रहे हैं, इसको हम साइक्लिकल स्टॉक बोलते हैं। और साइक्लिकल स्टॉक्स हमेशा जब एक्सपेंशन में होते हैं ना हम तब अच्छा होता है, जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती तब साइक्लिकल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। डिफेंसिव स्टॉक कैसे होते हैं, जैसे मार्केट मेरा 10% से बढ़ा तो मेरा डिफेंसिव स्टॉक क्या करेगा, सिर्फ 3% से बढ़ेगा, वो सिर्फ हल्का से रिएक्ट करेगा और नॉर्मल स्टेबल रहेगा। मेरा मार्केट 10% से गिरा तो भी मेरा एसेट 3%, 4%, 3% ही गिरेगा, ज्यादा कुछ नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो भी वो ऐसे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, नीचे जा रहा है तो भी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ऊपर जा रहा है तो सबको चाहिए कि हमारा अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए एसेट, बट वो वैसे नहीं रिएक्ट कर रहा। तो एक्सपेंशन के टाइम पे लोग डिफेंसिव स्टॉक्स को नहीं प्रेफर करेंगे, लेकिन जब रिसेशन आएंगे ना तो सब लोग चाहेंगे कि हमारे पास डिफेंसिव स्टॉक हो। क्यों चाहेंगे, क्योंकि मार्केट के साथ साथ रिएक्ट नहीं कर रहा ना, वो तो अपने स्टेबल चलता है, वो तो हल्का से ही रिएक्ट करता है। तो ये दो बातें। अब ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये इमेज है, ये इमेज में क्या बता रहे हैं शिवम, हम रिवाइज कर रहे हैं ठीक है अभी जस्ट। ये इमेज में ये क्या बता रहा है, ये अपना एक्स, ये अपना वाई है, ये अपना एक्स है, एक्स एक्सिस है ठीक है। यहाँ पे अपने मार्केट के रिटर्न्स है, यहाँ पे अपना एसेट के रिटर्न्स है, और ये जो अपनी लाइन है ना ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट्स लाई कर रहे इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एसेट के रिटर्न है वो एग्जैक्टली मार्केट के रिटर्न जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, और हमको यही चाहिए ठीक है कि दोनों सेम बिहेव करें। अगर दोनों सिमिलर वे में बिहेव करेंगे तो हमारा बीटा इक्वल्स टू 1 रहेगा। लेकिन अगर बहुत दूर ऐसे पॉइंट आ रहे तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा एसेट बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है, मार्केट चेंज कर रहा है तो उसके हिसाब से हमारा एसेट भी बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। लेकिन हमको ऐसी सिचुएशन चाहिए ही नहीं, तो हम क्या चाहेंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाली सिचुएशन तो हमारे साथ कभी होगी नहीं। तो हम चाहेंगे कि हमारे पॉइंट्स जो है ना यहाँ आसपास लाई करे, ये आइडियल सिचुएशन होगी ठीक है, आसपास लाई करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये रिग्रेशन करते हैं। रिग्रेशन से हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे है और हमें कहाँ पे आना चाहिए। जैसे कोई डॉट मेरा यहाँ आ रहा है तो मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको ट्राई करूंगी स्ट्रैटेजीज लगा के रिग्रेशन से रिलेटेड कि मैं उसको यहाँ पे ले आऊं मशीन लर्निंग और ये सब यूज करके। तो आप लोगों ने कौन सा पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे लाने का ट्राई करूंगी, इसलिए हम लोग रिग्रेशन करते हैं। अब हमारे जो ये एसेट होते हैं ना, ये एसेट जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो है ना हमारे मार्केट रिटर्न्स इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है ठीक है, मार्केट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स है वो मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसके अंदर हम ऐसा बोलते हैं। अब अपना कैपएम की क्या इक्वेशन होती है ना वो मैं बता देती हूँ। कैपएम की पहली इक्वेशन तो ये है, ये इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी इक्वेशन है अपनी ये वाली, ये दूसरी इक्वेशन है ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो इक्वेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है ERI, इसका मतलब होता है हमारे एसेट का रिटर्न या फिर हमारे, इसका मतलब होता है हमारा एसेट रिटर्न या क्या होता है। शिवम तुम लोग मुझे रिकॉल करवाओ कि क्या बोलते हैं इसको और क्या क्या टर्म से बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, हाइडल रेट, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। करेक्ट ठीक है, चलो याद है तुम्हें। हर्डल रेट ठीक है, हर्डल रेट और भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये दो रेट सबसे ज्यादा बोलते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और ये। अब ये किसके इक्वल होता है ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है अपना रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस RF इंटू बीटा ठीक है। बीटा हमेशा सेम रहता है, RF हमेशा रहता है। लेकिन ये जो है ना इसको ये पूरी ये जो बीच का पार्ट है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट, इसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम दे देते हैं डायरेक्ट, एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न ऑफ मार्केट नहीं देंगे और डायरेक्टली ये दे देंगे और हमें आरएफ दे देंगे और बीटा दे देंगे और बोलेंगे कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करो। तो तब हम हमें इतना सोचना पड़ेगा कि ये जो है ना या तो इसको हम ये बोलेंगे या तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आरएम माइनस आरएफ इक्वल्स टू एमआर। ठीक है, समझ में आया? अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं ना। एक चीज और बता देती हूँ, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को देखो यही दिखा है, ये एमआरपी है। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है, रिस्क फ्री रेट दिया है और बीटा दे रखा है। तो इसको करते हुए हमारे पास मार्केट का रिटर्न तो नहीं है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क प्रीमियम है। तो 4% हमें रिस्क फ्री रेट पता है, 5% हमें ये एमआरपी पता है, तो ये एमआरपी इंटू बीटा इंटू 1.5 करेंगे। ठीक है, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 11.5। तो अब जो हमारे कैपएम का मार्केट रिटर्न होगा ना, कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, मार्केट रिटर्न नहीं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। अगर इन्वेस्टर प्रेडिक्ट करता है कि जो रियल रेट होंगे मार्केट में वो इससे नीचे होंगे, समझो 10% होंगे, तो वो अगर इससे नीचे होंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया, लेक्चर में समझ लेना, अभी मैं जस्ट थोड़ा सा बता दूं। और अगर इन्वेस्टर बोलता है कि 11.5% ने तो आपने बोला ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन इन्वेस्टर बोलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 14% है, तो वो क्या वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का क्या कंसेप्ट है मैं एक बार बताती हूँ। जैसे ये आपकी जैसे यहाँ पे देख लो, यहीं पे देख लो, यहाँ पे 11.5 है। ठीक है, 11.5 मैंने मेरी अभी सिक्योरिटी की वैल्यू है 100। ठीक है, $100। इन्वेस्टर बोल रहा है कि मेरा 14% होगा। 14% कब होगा रिटर्न? जब सिक्योरिटी की भी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या सिक्योरिटी की वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ेगी, अभी नहीं लेकिन इन फ्यूचर बढ़ेगी। तो ये जो हमें वो बोल रहा है कि ज्यादा रिटर्न होंगे मतलब फ्यूचर वैल्यू भी बढ़ेगी उसकी। तो अभी क्या है, अभी जो सिक्योरिटी है मेरी वो अंडर वैल्यूड है। 100 तो अंडर वैल्यूड ही होगा ना, क्योंकि फ्यूचर में तो वो 102 होने वाला है। और अगर वो ऐसा बोलता है कि मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू 10%, मेरा जो रिटर्न है अभी 11.5% है लेकिन इन फ्यूचर 10% हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे जाएगी। तो अभी जो है अभी मार्केट में ओवर वैल्यूड है। तो जो ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी है, अब मेरा क्या है, यहाँ पे मेरी एसएमएल की लाइन आती है। ठीक है, ये मेरी लाइन है, यहाँ पे मेरा 11.5 फिट होता है। ठीक है, इस पर अब वो क्या बोल रहा है मेरा रिटर्न अगर 14% होगा, इसका मतलब क्या हुआ मेरी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है, आगे जाके बढ़ेगी। तो आगे जाके बढ़ेगी ना, तो जो 14% वाला है ना हमारी अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी जो है ना वो यहाँ ऊपर आएगी। ठीक है, और जो ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी है ना वो नीचे जाएगी, इसलिए जो 10% वाली है ना वो यहाँ नीचे आएगी ओवर वैल्यूड। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? सबको रिवाइज हो गया कल का? रोहित, शिवम, रिवाइज हो गया? मैम 20 नंबर में कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता है? कौन सा? ये 20 नंबर की बुक है, तो इसमें अराउंड कितने नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं? कितने नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं? 4 या 5 आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता, पूरी थियोरी होती है। हाँ। तो क्यूए में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्यूए में कितने आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन? क्यूए में 20 है तो 20 में से 8 या 9 आते, ज्यादा नहीं आते। पर किसी बुक में 8 या 9 आते, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैं पूरे पेपर में 30 MCQ से 30 से भी ज्यादा बोल रही हूँ, 30 प्रैक्टिकल से ज्यादा नहीं आएंगे, किसी के भी 30 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल के, तो सारे थ्योरी और सब थियोरी। बट थियोरी कंसेप्चुअल आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि इजी आएगी, बहुत टफ थियोरी आती है, पहले ही बोल रही हूँ। देखो अब अपन मॉड्यूल पे आ जाते हैं। वो उन्होंने पूरा ग्राफ दिया है, ये अपने रिटर्न्स है, ये अपनी रिस्क है, ठीक है, ये रिटर्न है, ये रिस्क है। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो को टेंजेंसी लाइन से टच करते हैं, उस पोर्टफोलियो को क्या बोलते हैं मुझे बता दो जल्दी जल्दी। यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो, हाँ, लेकिन उसका नाम क्या है यहाँ पे, ये सब चार है, इसमें से क्या बोलते हैं उसे? क्या नाम है रोहित, बताओ क्या नाम है इसका? बी एफिशिएंट, हैव बीटा ऑफ वन, ग्लोबल वेरिएंस, वेरिएंस पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन होना चाहिए ग्लोबल, करेक्ट। शिवम यहाँ पे लिखा है देखो, कहाँ पे जाऊँ, ये रहा, ये देखो जब अपन एफिशिएंट पोर्टफोलियो कर रहे थे तो यहाँ पे नहीं था ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, पॉइंट सी एफिशिएंट फ्रंटियर पे आता है, ये वही है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज मोस्ट लाइकली एन अजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इसमें से कौन सा अजम्पशन है? पहला ये बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स ओनली फेस कैपिटल गेन टैक्सेस, इन्वेस्टर टैक्सेस फेस करते भी है क्या कुछ? नहीं करते, तो कैपिटल गेन टैक्सेस कहाँ से करेंगे? तो पहला तो रॉन्ग हो गया अपना। इन्वेस्टर्स एक्शंस अफेक्ट प्राइस ऑफ एसेट्स, को इन्वेस्टर अपने एक्शन से प्राइस अफेक्ट, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? नो। हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर कांस्टेंट अक्रॉस ऑल एसेट्स, बोलो नो या यस, क्या है, क्या ऐसा कोई असम्पशन देखा है? नहीं। ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है ना, हाँ, ना तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, नो टैक्स, ना टैक्स ना कमीशन, ठीक है, नो टैक्स नो कमीशन, कुछ नहीं होता, तो डी होगा राइट। बट डी एक बार पढ़ लो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन लेंड एंड बोरो अनलिमिटेड अमाउंट्स एट रिस्क फ्री रेट, ये था ही, ये तो था ही अपना असम्पशन सबसे आखिरी वाला। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, ये वाला मेरे साथ, मैं सिखाती हूँ, ठीक है, मैं ही सिखाऊंगी क्योंकि मेरे सिखाने से इसको समझ में आएगा। पैट्रिका फ्रैंकलिन बाइज एंड सेल्स स्टॉक रिकमेंडेशंस यूजिंग कैपएम, ठीक है, ये कैपएम मॉडल यूज कर रही है। फ्रैंकलिन हैज डेराइव्ड इंफॉर्मेशन फॉर, ये उसने कुछ इंफॉर्मेशन डेराइव करी है, ठीक है, ये देख लो, अपना मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है 8%, देखो शिवम हर जगह पे एक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है, कहीं भी मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐसा अलग से नहीं दिया है। हाँ, रिस्क फ्री रेट है अपना 5%, हिस्टोरिकल बीटा है, ठीक है, ये हिस्टोरिकल बीटा है। अब इसका सब समझाती हूँ आगे कैसे। फ्रैंकलिन बिलीव्स दैट हिस्टोरिकल बीटास डू नॉट प्रोवाइड गुड फोरकास्ट फॉर फ्यूचर बीटा, ठीक है, ये ऐसा बोल रही है कि हिस्टोरिकल बीटा अच्छा नहीं देगा फोरकास्ट फ्यूचर बीटा के लिए। तो अभी अपन जो हमारा नॉर्मल बीटा होता है ना उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए इनने फोरकास्टेड बीटा की फॉर्मूला दिया है। इनने क्या बोला है, फोरकास्टेड बीटा का फॉर्मूला क्या है? देखो इनका फोरकास्टेड बीटा का फॉर्मूला 0.8 + 0.2 इंटू हिस्टोरिकल बीटा, हिस्टोरिकल बीटा अपने को यहाँ पे दिया है, देखो तो यहाँ पे लगा देंगे, इंटू 1.5 करेंगे, तो अपना आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर पता भी दिया आंसर, मैं समझा रही हूँ, मैंने पहले ही बता दिया सबको। आगे क्या आंसर हुए, तो आगे आंसर क्या चाहिए कि समझाऊ, बताओ? बोलो तो सही। 1.1 होगा अपना बीटा। ठीक है, मैं समझाई देती हूँ, मैं फिर बात के लिए रिस्क नहीं लेनी, मुझे मैं अभी समझा देती हूँ अच्छे से। अब अपना कैपएम कैसे निकलेगा? कैपएम का फॉर्मूला क्या है अपना? रिस्क फ्री रेट प्लस एमआरटी इनटू बीटा। ठीक है, ये बीटा अपन ने यहाँ पे डिराइव किया है। रिस्क फ्री रेट क्या है अपना? 0.05 प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है? 0.08 इंटू 1.1। इसका आंसर क्या आएगा अपना? 1.1 इंटू 0.08 प्लस 0.05 इंटू 100, 13.8% आएगा। ठीक है, अब 13.8% ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? अपने को यहाँ पे क्या दिया है? इन्वेस्टर ने प्रेडिक्ट किया है कि इसका रेट होना चाहिए 10%। अपना कैपएम बोल रहा है 13.8%। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे है सिक्योरिटी हमारी, नीचे जाएगी सिक्योरिटी, आने वाले टाइम में डाउनवर्ड जाएगी, फॉल होगी। ठीक है, इसका मतलब ओवर वैल्यूड है अभी। यश, समझ में आई मेरी बात? कुछ थोड़ा भी रिलेट हुआ? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसका मतलब ओवर वैल्यूड है। अगर यहीं पे इसने बोला होता ना 10 नहीं 15% है और यहाँ पे 13.8% है, इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी अभी अंडर वैल्यूड है। आने वाले टाइम में हमारा रिटर्न बढ़ेगा, मतलब हमारी फ्यूचर की हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी एसेट की। ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, ट्राई करो। इसमें इन लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, जो हमारा स्टॉक है ना, स्टॉक का ही रिटर्न दे रखा है। ये एसेट रिटर्न दे रखा है अपने को, ये जो है ना ये रहा, ये अपना रिस्क फ्री रेट है और ये अपना बीटा है। ये अपने से पूछ रहा है एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर मार्केट, ये अपने से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मार्केट रिटर्न ऑफ मार्केट पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा अपना? 7.5% है ये अपने पास है। 2 मिनट, ठीक है, ये अपने पास गिवन है। अपना क्या है? 4.5% है अपने पास रिस्क फ्री रेट प्लस ये जो अपने को फाइंड आउट करना है माइनस 0.045 इंटू 0.8। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करो और बताओ। रोज समझ में आ रहा है? तबीयत खराब है ना इसकी शायद से। यस मैम, आ रहे हैं। तबीयत खराब है रोहित? हाँ मैम, थोड़ा फीवर था बस। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर आगे चलते हैं।8.25 मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है। एक ही मिनट, पीछे चल के चेक करते हैं। हाँ, 8. क्या है अपना? मॉड्यूल 2 का 8.25, करेक्ट। देखो ऐसे ही सॉल्व किया है, 7.5 लिया है, 4.5 प्लस 0.8 और ये वैल्यू फाइंड आउट करी। एग्जैक्टली सिमिलर है। चलो अभी नए टॉपिक चालू करते हैं। अब कब कुछ इतना हार्ड नहीं है, बेसिक सा है। मैं पूरी बुक बेसिक करवा दूंगी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेजर्स, ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेजर्स, इसमें क्या है ना, बेसिक 4-5 मेजर्स है, वो याद रखने और उनके फॉर्मूला याद रखने, उनका हल्का फुल्का मतलब समझ लोगे, काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें। it is important for portfolio managers to not only focus on raw returns. ठीक है, raw returns पे focus नहीं करना है, हमें risk adjusted return पे ज्यादा focus करना है. तो हम अगर risk adjusted returns, देखो यहाँ पे लिखा है analyze risk adjusted rate of return पे focus करना है to evaluate the true performance of their portfolios given the amount of risk taken. ठीक है, हमें amount of risk taken पता रहेगी क्योंकि हमारे पास हमेशा बीटा गिवन, बीटा हमारे पास पता है. बीटा क्या, हमें रिस्क बताता है. बीटा पता है तो हम पता है कि हमारे पास कितनी रिस्क है. अब इसमें क्या है, बिगिन बाय एनालाइजिंग 3 ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स. फॉर्मूला नाम मतलब ठीक है. अरे फॉर्मूले में, फॉर्मूले को समझना भी तो पड़ता है ना कि फॉर्मूला क्यों है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है. बता रही हूँ ना पूरा. देखो 3 हमारे परफॉर्मेंस मेजर्स है. इन शार्प रेशियो, पहला हमारा शार्प आता है, दूसरा हमारा ट्रेनर आता है और तीसरा आता है हमारा जेनसेंस. ठीक है, शार्प रेशियो, शार्प वाला जो रेशियो है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड ना हो. ठीक है, नॉट वेल डाइवर्सिफाइड. नॉट वेल डाइवर्सिफाइड होगा तो कहाँ पे फोकस करेगा, इट विल ओनली फोकस ऑन कंपनी स्पेसिफिक. ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क पे फोकस करेगा वो, मार्केट रिस्क को लेगा ही नहीं. ठीक है, और ट्रेनर रेशियो है ना, ट्रेनर रेशियो विल फोकस ऑन वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे फोकस करेगा. इट विल टेक बीटा इनटू कंसिडरेशन, मतलब ये सिस्टमैटिक रिस्क को लेगा कंसिडरेशन में. शार्प रेशियो हम तब लेंगे जब हम कंपनी स्पेसिफिक रेशियो रिस्क देख रहे हो. फिर ट्रेनर इंडेक्स हम लोग तब लेंगे जब हम लोग पूरा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा, हम मार्केट रिस्क को भी अज्यूम करके चल रहे हो. और जेनसेंस वाला जो है ना, जेनसेंस इज रिलेटेड टू ट्रेनर, आगे चल के पता चलेगा. In all 3 cases for a given portfolio, the higher measure, the better the risk-adjusted return. ठीक है. मैम क्या बोला? हाँ, देखो शार्प रेशियो हम तब यूज करते हैं जब हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क देख रहे हो. ठीक है, और और अगर कंपनी स्पेसिफिक देख रहे हैं इसका मतलब हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, हम सिर्फ एक ही कंपनी को देख रहे हैं. और अगर हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो हमें पूरा मार्केट का सोचना पड़ेगा. पूरा मार्केट का सोचना है तो हम ट्रेनर रेशियो यूज करेंगे. अब इसके फॉर्मूला देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये नॉन वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए देखते हैं, और जब कोई वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो उसके लिए हम ट्रेनर क्यों देखते हैं. और जेनसेंस इज रिलेटेड टू ट्रेनर रेशियो, उसका हम आगे जाके बताऊंगी मैं. अब इसमें क्या है ना, इन तीनों रेशियो में से जो ज्यादा है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा है. ठीक है, जिसका मेजर ज्यादा है उसका रिटर्न ज्यादा है. ये चीज याद रखना, हायर द वैल्यू हायर द रिटर्न. ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रख के चलना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि वो बोलेंगे शार्प रेशियो भी फाइंड करो, ट्रेनर रेशियो भी फाइंड करो, जेनसेंस भी फाइंड करो, हर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग से बोलेंगे. हाँ शिवम, मेजर मतलब जो इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा ना, वो आंसर की वैल्यू को मेजर बोल रही हूँ मैं. अच्छा, हायर द आंसर लिख लेंगे आप क्या? हायर द आंसर हायर द वैल्यू, ऐसे हायर द रिटर्न. ठीक है भाई, हायर द आंसर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. हायर द आंसर हायर द, ठीक है, हायर द रिटर्न. और जो सबसे, मतलब मैं पहले ही बोल देती हूँ, अगर बोलेंगे ना बेस्ट चूज करो तो जिसका सबसे ज्यादा होगा रिटर्न उसे चूज करके आना. अगर बोलेंगे वर्स्ट पोर्टफोलियो चूज करो, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट चूज करो, तो जिसका सबसे कम रिटर्न होगा उसको चूज करके आना. इतना समझ लो एग्जाम के लिए. अभी शार्प इंडेक्स करते हैं, शार्प परफॉर्मेंस इंडेक्स. शार्प परफॉर्मेंस इंडेक्स के फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. देखा, सिर्फ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मार्केट रिस्क नहीं लिया, इन्हें स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है. अभी यहाँ पे पढ़ते अपन तो समझ में आएगा. द शार्प मेजर कंप्यूट्स एक्सेस रिटर्न excess return, portfolio return and excess of risk free rate per unit of total risk. इसमें क्या है, ये लोग सिर्फ ये वाले रिस्क ले रहे हैं, ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है अपनी। और अगर हम सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो के रिस्क देख रहे हैं, मतलब हम सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क देख रहे हैं, ऐसे इस वे में समझना है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को देखना है। तो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई शार्प मेजर टू ऑल पोर्टफोलियोज बिकॉज इट यूजेस टोटल रिस्क, ठीक है। ये पूरी पोर्टफोलियो के रिस्क को लेके चलता है, इसलिए शार्प मेजर जो है ना सबसे ज्यादा यूज होता है, ये भी याद रखना, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसमें। शार्प मेजर इज मोस्टली यूज। कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें मैं अपने एंड से समझाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि वाला पॉइंट। सबसे ज्यादा अगर कोई मेजर हम यूज करते हैं ना कैलकुलेशन में, तो सबसे ज्यादा हम शार्प रेशियो को यूज करते हैं। फिर द स्लोप ऑफ सीएमएल, याद है किसी को ये बात मैंने बोली थी कि सीएमएल का स्लोप होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है शार्प मेजर के, ये बात याद है या नहीं याद है? यहाँ पे इन्हें वही लिख रखा है, अ पोर्टफोलियो विद शार्प मेजर ग्रेटर देन शार्प मेजर ऑफ मार्केट, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि हमारे पोर्टफोलियो का जो शार्प मेजर है वो हमारे मार्केट के शार्प मेजर से ज्यादा होगा, विल ऑलवेज ऑफर अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कंपेयर टू द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमारे पोर्टफोलियो का निकाला शार्प इंडेक्स, हमने हमारे मार्केट का निकाला, और दोनों में से समझो हमारे पोर्टफोलियो का ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा पोर्टफोलियो हमारे मार्केट के पोर्टफोलियो से, एक हमारा अलग मार्केट का पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, पूरा जो सिर्फ मार्केट के इंडेक्स को लेके चल रहा होगा, जिसमें जैसे हमारे अलग अलग इंडेक्स होते हैं ना, S&P इंडेक्स हो गया, NSE हो गया, BSE हो गया, ये सब अलग अलग इंडेक्स का एक पूरा एक अलग से इनका एक पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। एक होगा हमारे अलग से छोटे, एक होगा हमारा अलग से मार्केट का पोर्टफोलियो नहीं होगा, लेकिन ये अलग से एसेट्स का पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बताना चाह रहा है कि हमारा जो ये हमारा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे शार्प मेजर का पोर्टफोलियो विद शार्प मेजर, ठीक है, इज ग्रेटर देन शार्प मेजर ऑफ मार्केट। जो मार्केट के जो है ना, जैसे जो हमारे मार्केट के इंडाइसेस है, इंडाइसेस के मेजर से, इंडाइसेस के जो मेजर है उससे ज्यादा अगर हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो के मेजर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा पर्सनल वाला जो है ना वो हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा दे रहा है, वो हमको ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिस इज इनएविटेबली अस्यूम्स दैट मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज एफिशिएंट, ठीक है, अलाउज मैनेजर्स टू समटाइम्स बीट द मार्केट। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि मार्केट ही हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा हाँ मेरा पोर्टफोलियो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के इससे। समझ में आई मेरी बात? अभी इसमें मैं अभी ट्रेनर रेशियो करेंगे ना तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा, मैं अभी ऐसे पूरा नहीं बता पाऊंगी, ट्रेनर करते फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो था ना ये पूरी टोटल रिस्क लेता था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटल रिस्क, ये पूरी की पूरी रिस्क अज्यूम करता था। अब शार्प मेजर में देखो यहाँ पे क्या बीटा है, ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को ही अज्यूम कर रहा है, ट्रेनर रेशियो सिमिलर टू शार्प रेशियो एंड बोथ यूज सेम न्यूमरेटर, ठीक है, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, ये दिख रहा है, चेंज इनके डिनोमिनेटर में आता है। ये पूरा टोटल रिस्क देख रहा है, ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क देख रहा है। ट्रेनर रेशियो, ट्रेनर मेजर यूजेस सिस्टमैटिक रिस्क एज मेजर्ड बाय बीटा। सिस्टमैटिक रिस्क क्या मतलब, हम सिर्फ मार्केट के रिस्क को देख रहे हैं। तो कोई वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा ना तो वो जो होगा वो सिर्फ मार्केट रिस्क को ही एक्सपोज्ड होगा। मैंने क्या बताया था उस दिन, कोई मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो है समझो, मैंने अलग अलग सिक्योरिटीज रख रखी है, इन्फोसिस रख रखा है मैंने, रिलायंस रख रखा है मैंने, फिर मेरे पास है एनटीपीसी है मेरे पास, फिर मेरे पास है महाराष्ट्र बैंक, ठीक है, मेरे पास महाराष्ट्र बैंक है, कैनरा बैंक है, मेरे पास अलग अलग है, ठीक है, मेरे पास सब सिक्योरिटीज एकदम अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या कोई एक सिक्योरिटी मेरे पूरे पोर्टफोलियो को, मेरे पूरे पोर्टफोलियो को अफेक्ट करेगी, हाँ या ना? इतना जवाब दो बस मुझे। नहीं करेगी ना। लेकिन अगर मार्केट गिरा तो मार्केट अगर गिरेगा तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो को अफेक्ट करेगा। अगर पूरा का पूरा मार्केट गिरा तो वो मेरे पूरे पोर्टफोलियो को अफेक्ट करेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई एक स्टॉक के गिरने से मेरे पोर्टफोलियो को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, सिर्फ मार्केट रिस्क को ही एक्सपोज्ड है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मार्केट रिस्क एक्सपोज्ड है। यहाँ पे क्या था, मेरा पोर्टफोलियो सारी रिस्क को एक्सपोज्ड था। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पोर्टफोलियो में सब आर पावर है, सब पावर के स्टॉक्स है, या फिर सब मेरे पास हॉस्पिटल के स्टॉक्स है, ऐसा भी हो सकता है। अगर हॉस्पिटल गिरा तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा, अगर मार्केट गिरेगा तो भी मेरा पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा। ये क्या, ये दोनों रिस्क को लेके चल रहा है, इसमें सब तरह के रिस्क आ रही है। इसमें सिर्फ एक अपने पास, इसमें अपनी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क तो हट गई, सिर्फ अपन सिस्टमैटिक रिस्क के साथ चल रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। और अगर, इसलिए ये बोलते हैं कि ये वाला जो पोर्टफोलियो है ये हमारा वेल डाइवर्सिफाइड होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा ट्रेनर रेशियो यूज करते हैं। जो हमारा ऐसे स्टॉक जो हमारा इस तरह का ऐसा होता है ना, जो जिसमें हम सिर्फ एक ही सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, उसमें हम शार्प रेशियो यूज करते हैं। तो दोनों का मतलब अलग है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पुअर पोर्टफोलियोज होते हैं हमारे पास, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास अच्छा पोर्टफोलियो होता है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा। यहाँ पे लिखा है पुअरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज विल लाइकली हैव एन अननेसेसरीली हाई स्टैंडर्ड डिविएशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, एक्सेसिव कंपनी स्पेसिफिक मतलब रिस्क, मतलब कि एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक पड़े, एक ही कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है एक ही कंपनी के स्टॉक से। अभी ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, कोई मुझे बताएगा फॉर्मूला कौन सा है? एक्सपेक्टेड मार्केट एसेट रिटर्न ऑफ एसेट, कैपएम का फॉर्मूला है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे बस रिपीट कर रखा है इन लोगों ने। अब स्लोप ऑफ एसएमएल होता है ना हमारा, कैन ऑल्सो बी व्यूड एज ट्रेनर मेजर इन मार्केट। स्लोप ऑफ एसएमएल का फॉर्मूला आई थिंक लिखा है क्या ऊपर, कोई देख लेते हैं। ये मैंने, ये तो हमारे शार्प मेजर था। ये तो चांद तो नहीं है, चलो नीचे ही दिखा देती हूँ। हमारा सीएमएल का जो स्लोप था ना वो हमारे शार्प मेजर जैसा था। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं हमारे एसएमएल का जो स्लोप है ना वो हमारे ट्रेनर मेजर जैसा है। ठीक है, लेकिन ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ एग्जाम में वो पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ये एसएमएल की लाइन का हमारी इक्वेशन है। ठीक है, एसएमएल की लाइन की इक्वेशन है। अब बीटा हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऐसा कंसिडर किया है क्योंकि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है ना, ऐसे कंसिडर क्यों किया है वो भी मैं बताती हूँ। जैसे ये है, ये मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ठीक है, मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मेरे स्टॉक, मेरे जो एसेट के रिटर्न्स है वो हमेशा मेरे मार्केट के रिटर्न्स जैसे हो। ठीक है, वो दोनों इक्वल हो, वो दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, मेरा बीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ऊपर का यही सिर्फ पार्ट रह जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मार्केट माइनस आरएफ। ये क्या होता है, ये होता है मेरा मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम में वो कुछ पूछेंगे नहीं। ठीक है, इररिलेवेंट है, वैसे बताने के लिए अभी बुक में लिखा था तो मैंने समझा दिया। समझ में आई ये बात मेरी? एक बार पढ़ो, एक बार यहाँ तक पढ़ो, मैं कब से बहुत बोल चुकी हूँ आई थिंक। एक बार यहाँ मॉड्यूल 5.3 में ट्रेनर रेशियो तक पढ़ लो, मैं 5 मिनट का टाइम देती हूँ, 28 तक। यहाँ तक पढ़ो अच्छे से, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर आगे चलते हैं अपन। जेनसिन फिर करवाती हूँ। हो गया रीड करके। चलो ये ईआरपी या ये ईआरपी या फिर आरपी है, ईआरपी या फिर आरएफ है ऊपर ऊपर। हाँ इसमें ऊपर ऊपर और यहाँ पे ये, हाँ इसमें ये ईआरपी पूछ रहे हो क्या है? ईआरपी माइनस आरएफ है ये। हाँ ईआरपी माइनस आरएफ। ईआरपी मतलब, ईआरपी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है 2 मिनट रुकना ना, 2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पढ़ो पढ़ो। मुझे तब तक बताओ कल क्लास कितनी बजे लूँ मैं? कल सैटरडे है, कल मेरी छुट्टी है, तो बोलो कल क्या टाइम पे लूँ? कल शाम का मत रखो, शाम को 5 बजे के पहले कुछ भी बोलो। हाँ तो 12 बजे के बाद कब? देखो 10 बजे, 10:15 बजे से 11:30 तो शायद तक क्यूए की क्लास होगी, तो उसके बाद ले लो आप 12 बजे से। कल 12 बजे ले लूँ क्लास? चलेगा 12 से 1 करेंगे कल अपन, ठीक है 12 से 1। 1 घंटे की तो संडे छुट्टी चाहिए, तो कल मैं 2 घंटे की ले लेती हूँ, ऐसा कुछ करते हैं। छुट्टी क्यों, परसों भी ले लेना। तो दोनों दिन मैं कल एक काम करती हूँ, कल तो 1.5 घंटा ले लूंगी, परसों का मैं परसों ही बता दूंगी, 1 घंटा ले लूंगी परसों, देखते हैं। सर ऐसे कर लो आप 2 क्लास ले सकते हो, 12 से 1 और 4 से 5। अरे ऐसे पॉसिबल थोड़ी होता, फिर शाम को मैं तो कोई जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, तो 12 से 2 ले लेना। अभी 1 बजे से ले लो, 12 से ले लो। क्या 1 बजे? या तो फिर देख लो, देखो 4 से 6 भी ले सकती हूँ, 4 से 5:30 ले लूँ क्या? 4 से 5:30 चलेगा सबको? हाँ 4 से 5:30 ठीक है। ठीक है 4 से 5:30 कल फाइनल, ठीक है। तो संडे को तो दशहरा भी है, तो सुबह ले लो, दोपहर में ले लेना, फिर शाम को तो दशहरा तो कल है शायद से वहाँ पे। हाँ पर संडे को है, संडे को है, ठीक है। हाँ संडे को अपन देखो, संडे तक अपन टारगेट रखेंगे कि अपना एपीटी खत्म हो जाए, फिर मुझे पता नहीं संडे को कितनी देर की क्लास लेनी पड़े, लेकिन संडे को अपन सुबह लेके खत्म कर देंगे, एपीटी खत्म करने का रखेंगे संडे को। कल तो सुबह भी ले सकते हो, कल तो जल्दी उठना पड़ेगा, पूजा करनी है ना, कल पूजा करनी है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कल 4 से 5:30 लेते हैं, ठीक है। संडे को सुबह ले लूंगी, जैसा भी रहेगा बता देंगे, कल संडे का कल डिस्कस कर लेंगे। रोहित और यश चलेगा ना 4 से 5:30? चलो चले आगे। जेनसेन पोर्टफोलियो इंडेक्स, अब अपना जेनसेन आता है, ठीक है। जेनसेन क्या एग्जैक्टली कैपम जैसे, जेनसेन क्या करता है, हमारा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है ना, हमारे जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है और जो हमारे कैपएम का रिटर्न, कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं जेनसेन इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन से समझाती हूँ, ये क्या है अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न, ये क्या है अपना कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो अपने पास जेनसेन आएगा, और जेनसेन को अपन ऐसा बोलते हैं, इस टर्म से बोलते हैं अल्फा। अल्फा से अपन जेनसेन को दिखाते हैं, ठीक है। जेनसेन को ये अल्फा टर्म अगर वहां एग्जाम में पूछ लेना तो समझ जाना जेनसेन का इंडेक्स पूछा है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? जेनसेन अल्फा यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ से रीड करके बताती हूँ, ये मैंने एकदम इजीली समझा दिया कि जेनसेन क्या होता है, हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस हमारे कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी ये क्या है, लाइक ट्रेनर, यहाँ पे क्या बोला, इट इज लाइक ट्रेनर अस्यूम्स इन्वेस्टर्स assumes investors are well diversified. ये क्या assume करेगा कि हमारे जो investors हैं ये भी यही बोलेगा, ठीक है, ये भी यही बोलेगा कि हमारे investors जो है वो well diversified है and therefore uses beta, क्योंकि यहाँ पे beta use हो रहा है। यहाँ पे कोई total risk use हो रही है क्या? नहीं use हो रही, इसलिए ये भी ट्रेनर जैसा है, ये भी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ही कंसिडरेशन में लेके चलता है। Rather than standard deviation relevant as relevant risk metric, समझ में आया क्यों ट्रेनर जैसा है ये? क्योंकि ये भी बीटा को लेता है, जिस जगह पे बीटा आ गया ना इसका मतलब है इट इज अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हाँ ठीक है, रिपीट करती हूँ, जेनसन इंडेक्स क्या है अपना, ये क्या दिख रहा है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस ये जो पूरी इक्वेशन है, एक मिनट, ये जो पूरी इक्वेशन है अपनी, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन किसकी है? कैपएम की इक्वेशन है। आरएफ प्लस एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस आरएफ इनटू बीटा। मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ ये, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे बीटा है, अब बीटा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टमैटिक रिस्क है, इसमें भी ट्रेनर के जैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी ये देखा है क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ऐसा कहीं है क्या? इसका मतलब होता है टोटल रिस्क, मतलब टोटल रिस्क तो हम ले ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ले रहे हैं। सिस्टमैटिक रिस्क होती है और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क नहीं होती, इसका मतलब है हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। और जेनसन क्या होता है? एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इन इक्विलिब्रियम द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न मस्ट बी इक्वल टू कैपएम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन जीरो अल्फा, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर आवर नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस? हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहेगी, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो हमारे कैपएम के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जैसा ही हो, लेकिन ऐसा होगा क्या? क्या भी लेकिन ऐसा होना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्या, ये हमारी आइडियल एक्सपेक्टेशन है कि हमेशा ऐसा रहे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जेनसन अल्फा होगा, जो हमारा जेनसन अल्फा होगा वो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर दोनों इक्वल है? समझो ये है 100, ये भी है 100, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा मुझे बोलोगे? 0 आएगा ना। ये क्या, ये हमारी आइडियल एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करती हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। ऐड पेज, देखो यहाँ पे मैं समझा रही थी, यहाँ पे सुनो मेरी बात। बता देती हूँ, देखो हमने जब सिक्योरिटीज का पढ़ा था तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। समझो कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या था हमारा? 11.5%। हम क्या चाहते थे, हमने सोचा था कि हमारा जो कैपएम होगा, हर इंसान यही चाहेगा कि इन्वेस्टर भी सेम चीज प्रेडिक्ट करे, ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है, इन्वेस्टर प्रेडिक्ट्स द सेम। क्योंकि अगर वो सेम प्रेडिक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पॉइंट, हमारे यहाँ लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे आएंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारा 11.5 रिटर्न होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इन्वेस्टर ने अगर एक्सपेक्ट किया था, इन्वेस्टर ने अगर प्रेडिक्ट किया, इसकी दो प्रेडिक्शन होगी इन्वेस्टर की, पहली थी 14%, दूसरी थी 10%। 14% थी तो क्या था, हमारी सिक्योरिटी कैसी थी बोलो? 14%। अंडरवैल्यूड, हाँ अंडरवैल्यूड, ठीक है, यहाँ पे थी तो हमारा था ओवरवैल्यूड। ठीक है, जेनसन अल्फा इस चीज को समझा रहा है। ठीक है, हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम यहीं पे लाई करें। ठीक है, हम यही चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर के प्रेडिक्शन है वो कैपएम के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से एग्जैक्टली मैच करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई डिविएशन आया, ये क्या है, ये डिविएशन है, डिविएशन फ्रॉम कैपएम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे डिविएशन है। अगर डिविएशन आए तो अगर हम 14% सोच रहे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है। आने वाले टाइम में ये क्या होगी, ये राइज करेगी, ये बढ़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विल इंक्रीज इन फ्यूचर। इसलिए हम लोग इसको हमारी एसएमएल की लाइन पे ऊपर की साइड प्लॉट करते। ठीक है, अगर हमारा रिटर्न है 10%, ये है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विल फॉल इन फ्यूचर। अब मैं बताती हूँ, अब जेनसन अल्फा से इसको रिलेट करते हैं। अगर हमारा अल्फा इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, कलर चेंज कर देती हूँ एक ही मिनट। अगर मेरा अल्फा इक्वल टू 0 है ना, मतलब मेरा पॉइंट जो है ना ग्रीन वाला है, ये लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है इट इज इक्वल टू माय कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इज इक्वल कैपएम के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब नीचे क्या इन लोगों ने लिखा है, ये इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कोई सिक्योरिटी है, इसको क्या बोलते हैं, मिसप्राइज्ड हो गया। अगर यहाँ पे 14 और 10 ऐसा, तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सिक्योरिटी इज मिसप्राइज्ड। ठीक है, सिक्योरिटी इज मिसप्राइज्ड, ये सब टर्म्स याद रखना। इफ जेनसन अल्फा इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हमारा जेनसन अल्फा पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ, 11.5% नहीं है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, 14% है। इसका मतलब क्या था कि आवर सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड, इसका मतलब पोर्टफोलियो इज अंडर वैल्यूड एंड इन्वेस्टर्स वुड विश टू बाय और होल्ड इट। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन पे है, अगर हम यहाँ पे है, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, बाय करेंगे। बाय क्यों करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर वैल्यू विल इंक्रीज, इन फ्यूचर हमारी सिक्योरिटी ऊपर जाएगी। अगर हमारा जेनसन अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारा अल्फा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन फ्यूचर सिक्योरिटी विल फॉल। तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, ऊपर वाले में तो बाय, नीचे वाले में सेल। समझ में आई मेरी पूरी बात। तो अल्फा अगर 0 होगा तो हमारी एकदम, हमने जो हमारी आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, मैं फिर से कलर चेंज कर देती हूँ, ये क्या, नई सब चीजें समझ में आएगी फिर ज्यादा। अगर हमारा अल्फा 0 है, हम आइडियल सिचुएशन पे है। ठीक है, अगर हमारा अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न इज मोर देन कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमारा अल्फा होगा पॉजिटिव। अगर हमारा एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न इज लेस देन कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा अल्फा आएगा नेगेटिव। इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, बाय द सिक्योरिटी। इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, सेल द सिक्योरिटी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आई ये बात एकदम अच्छे से? अरे ये कहाँ गए, हाँ ये रहा, यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, फिर जेनसन अल्फा इज मोर सूटेबल फॉर कंपेयरिंग पोर्टफोलियो दैट हैव सेम लेवल ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। हम कब करेंगे, जब हमारे बीटा इक्वल हो, वेन आवर बीटाज आर इक्वल, अगर किसी की सिस्टमैटिक रिस्क इक्वल नहीं है ना तो जेनसन अल्फा इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। जेनसन अल्फा कब करेंगे वेन आवर बीटाज आर सेम। The trainer measure and Jensen's alpha go hand in hand. Thus, in that superior performance implied by trainer measure automatically implies superior performance in Jensen. इसका क्या मतलब हुआ? trainer और Jensen almost same है क्योंकि दोनों systematic risk use करते हैं। अगर कोई trainer में अच्छा perform कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वो Jensen में भी अच्छा ही perform करेगा। मेरी बात समझ में आई? However, relative ranking of portfolio may differ according to the two measures. ठीक है, अब दोनों को मेजर करने का तरीका अलग अलग है तो दोनों के मेजर की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखोगे और क्लियर हो जाएगी चीजें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ 10 स्टॉक्स, ठीक है, पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है, Assumes that portfolio expected return is 14%. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ERP is 14%। देखो मैं इतनी बार ERP, ERI, ERM सब लिख के बता रही हूँ जिससे आपको पता चले कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा तो हम इसको किस टर्म से आइडेंटिफाई करें। तो ये सब चीजें एग्जाम में ध्यान रखना। विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 25%। ये क्या है? ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये क्या होता है ये बताना, ये हम कौन से फॉर्मूला में यूज करते हैं? करेक्ट, ये हमारा 25% है। ठीक है, अभी द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज 1.1। मैं अल्फा भी यही लिखती हूँ, वहां पे लिखे कोई मतलब, अल्फा क्या है ये भी यही लिखती हूँ। ये हमारा 25% है, 0.25। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? जैसे इसको हम ERP बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, देखो टाइम नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी बोलो। हाँ, ERM बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20.2। ऊपर पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी मार्केट का था। अब यहाँ पे क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन भी पोर्टफोलियो का था, सॉरी। अब यहाँ पे हम रिटर्न ऑफ मार्केट की बात करें, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी। क्यों रोहित, रेस्ट चाहिए तुम्हें? एक ही मिनट, मुझे उसकी ओके फाइन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आज वैसे भी ये चैप्टर में आगे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ले लो रेस्ट चाहिए तो। देखो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट क्या है हमारा? 20.2%। द रिस्क फ्री रेट, RF क्या है? 2.6%। जब एग्जाम में सॉल्व करो ना तब भी सब कुछ ऐसे ही अलग से लिख देना तो ना इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। जब जैसे जैसे जो जो देखते जाओ ना ऐसे साइड में लिखते जाना, तो जब जैसे फॉर्मूला बनाना होगा ना तो सब इजीली बन जाएगा। अब इन लोगों ने क्या बोला है, कंप्यूट शार्प, ट्रेनर एंड जेनसन अल्फा फॉर पोर्टफोलियो। ठीक है, हमें पोर्टफोलियो के लिए कैलकुलेट करना है। अगर हमें शार्प पोर्टफोलियो के लिए कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? ERP माइनस RF, और पोर्टफोलियो के लिए करना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और यही अगर हमें, ये तो हमें पोर्टफोलियो के लिए करना था, और यही अगर हमें शार्प मार्केट के लिए करना है तो हम क्या करेंगे? कोई मुझे बताएगा इसमें क्या डिफरेंस आएगा? किसमें? ये हमारा देखो, ये हमने शार्प पोर्टफोलियो के लिए कैलकुलेट किया। अगर हमें शार्प मार्केट के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? ERP की जगह ERM आ जाएगा। हाँ, और RF तो सेम रहेगा, और नीचे क्या होगा? नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब मार्केट के हिसाब से हो जाएगा। समझ में आई? ये भी लिखना है ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ तो इन लोगों ने लिख ही रखा है, बुक में से देख सकते हो, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। शार्प इसका ये रहा देखो यहाँ नीचे ही लिखा है शार्प रेशियो फॉर पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो का है, ये तो सेम है, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास क्या था, रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है हमारा 14%, ये देखो यहाँ पे पुट किया। रिस्क फ्री रेट क्या है 22.6%, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है पोर्टफोलियो का 0.25, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो का शार्प इंडेक्स आ गया। Yes. अभी पोर्टफोलियो का अब ट्रेनर करेंगे, ठीक है, क्या आवाज कट रही है शिवम? नो मैम। कुछ डाउट है क्या? मैं कुछ बोला ही, ठीक है ठीक है। अभी अपने ट्रेनर का क्या था फॉर्मूला, ERP, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा ट्रेनर में, दोनों शार्प और इसके जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होगा, और मार्केट में क्या होगा बीटा ऑफ मार्केट होगा, ठीक है, बीटा ऑफ मार्केट होगा और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो होगा, ये डिफरेंस आएगा। न्यूमरेटर तो दोनों का सेम रहेगा, शार्प का और ट्रेनर का न्यूमरेटर इज ऑलवेज सेम। कोई बात नहीं यश, कोई बात नहीं, मैं वापस से समझाऊंगी, देख लेना। अभी मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, शार्प इंडेक्स में क्या है पोर्टफोलियो का करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का, और फिर नीचे अगर हम मार्केट का कैलकुलेट करेंगे तो ये सब चीजें मार्केट में चेंज हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस RF इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। अब ट्रेनर में भी सेम चीज है, न्यूमरेटर तो हर किसी में शार्प जैसा ही रहेगा, देखो दोनों में शार्प जैसा ही न्यूमरेटर है, एग्जैक्टली जो यहाँ पे है वो यहीं पे, समझा, जो यहाँ पे है वो यहाँ भी है, जो यहाँ पे है वो यहाँ भी है, दोनों का न्यूमरेटर हमेशा चेंज सेम रहता है, सिर्फ नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है तो स्टैंडर्ड डिविएशन, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट है तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा ऑफ मार्केट, और वैल्यूज पुट इन करिए, और कुछ नहीं किया, समझ में। एक बार देख लो दोनों का शार्प और ट्रेनर देखो, फिर जेनसन समझाती हूँ। एक बार देख लो 2 मिनट लेके, ये दोनों चीज देखना, ठीक है, शार्प ऑफ पोर्टफोलियो, ट्रेनर ऑफ पोर्टफोलियो, शार्प ऑफ मार्केट, ट्रेनर ऑफ मार्केट, फिर जेनसन समझाती हूँ। अभी हो गया, समझ में आया? Yes. ठीक है। अभी जेनसन का फॉर्मूला क्या था अपना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों पोर्टफोलियो और इसमें एग्जैक्टली सिमिलर होगा। देखो कैपएम का क्या होता है अपना, RF प्लस ERM माइनस RF इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, RF क्या है अपना 0.026 प्लस ERM क्या दे रखा है अपने को, एक्सपेक्टेड 12.5% ना, 0.125, यहाँ पे बताए कोई मतलब नहीं, यही से बताती हूँ, ठीक है। ये है अपना RF, ठीक है, ये है अपना ERM, ये वापस है अपना RF इंटू बीटा, और ये प्लस किया। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज लिखी है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज है, बस बीटा का डिफरेंस है। बीटा का क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और ये है बीटा ऑफ मार्केट। समझ में आई मेरी बात, आ रही या नहीं समझ में आ रही? और यहाँ पे क्या है, हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो लिया है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, यहाँ पे जो जो भी चीजें हम पोर्टफोलियो के लिए लेते हैं ना, यहाँ पे पोर्टफोलियो के लिए लेंगे, यहाँ पे मार्केट के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो के रेफरेंस में ले रहे थे, यहाँ पे हम मार्केट के रेफरेंस में ले रहे हैं। इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। एक बार जेनसेंस भी देख लो, देखो इसका जेनसेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम, ठीक है, हो गया, समझ में आई मेरी बात। अब आगे चलते हैं। अभी अपने पास ना अपन ने 3 मेजर देखे, ठीक है, 3 जो थे ना मेन थे, शार्प, ट्रेनर और तीसरा क्या था, जेनसेंस अल्फा। ये जेनसेंस अल्फा के बाद आप अपन आते हैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच होती है, जिसमें टू कैलकुलेट एक्सेस रिटर्न रिलेटिव टू अ टारगेट रिटर्न और अ बेंचमार्क पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारे रिटर्न कोई बेंचमार्क पोर्टफोलियो से, ठीक है, कंपेयर विद द बेंचमार्क पोर्टफोलियो। अब इसमें क्या आएंगे, पहला ट्रैकिंग एरर, इन्फॉर्मेशन रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, ये 3 है, ठीक है। ट्रैकिंग एरर बताती हूँ। इफ अ मैनेजर इज ट्राइंग टू अर्न अ हायर रिटर्न देन मार्केट पोर्टफोलियो और एनी रेफरेंस और बेंचमार्क, दैट डिफरेंस विल हैव सम वेरिएबिलिटी ओवर टाइम। अब क्या है, कोई इन्वेस्टर है, वो क्या चाह रहा है, मार्केट का जो पोर्टफोलियो है या उसको कोई बेंचमार्क पोर्टफोलियो होगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया नहीं है आई थिंक, हाँ बट ठीक है, या तो कोई तो बेंचमार्क पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या चाहेगा, व्हाट विल इन्वेस्टर वांट इज, पोर्टफोलियो लिख दिया मैंने, मैं पता नहीं क्या लिखती हूँ, ठीक है, बेंचमार्क पोर्टफोलियो से वी आर गोइंग टू कंपेयर, ठीक है। मैनेजर अपने रिटर्न्स को इनसे कंपेयर करेगा और मैनेजर क्या चाहेगा कि मैं मार्केट के जो रिटर्न्स है या बेंचमार्क का जो रिटर्न है उससे भी ज्यादा अचीव करूं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, इन अदर वर्ड्स इवन इफ मैनेजर इज सक्सेसफुल इन जनरेटिंग अ पॉजिटिव अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, जो बेंचमार्क रिटर्न है हमारा उससे ज्यादा मैनेजर ने अचीव कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजर हैज अ पॉजिटिव अल्फा, ठीक है। द अल्फा विल वेरी ओवर टाइम, ठीक है, अल्फा चेंज होता रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि जो रिटर्न आज दिख रहा है वही रिटर्न सेम दिख रहा है, ठीक है। शिवम, यहाँ पे क्या है, ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है, मैं एक बेंचमार्क रखूंगी, ठीक है, मैं अपना एक बेंचमार्क रिटर्न रखूंगी, बेंचमार्क रिटर्न और मैं अपना भी एक रिटर्न होगा, मेरे पोर्टफोलियो का एक रिटर्न होगा, तो मैं क्या चाहूंगी, जो बेंचमार्क मैंने सेट किया है मेरा हमेशा उससे ज्यादा हो, तो मैं क्या करूंगी, एक पोर्टफोलियो लूंगी कोई भी जो मेरा बेंचमार्क पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा उससे हमेशा मैं चाहूंगी कि मेरा रिटर्न ज्यादा हो। तो चलो कोई दिन पे मेरा रिटर्न ज्यादा हो गया और मैंने पॉजिटिव अल्फा कर लिया, अगर मेरा रिटर्न ज्यादा हो बेंचमार्क रिटर्न से, तो फिर उसको मैं बोलती हूँ मेरा पॉजिटिव अल्फा है। लेकिन क्या ये रिटर्न हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी डिविएट नहीं होंगे क्या मेरे रिटर्न, पोर्टफोलियो है, मार्केट है, मार्केट में रिटर्न तो डिविएट होते रहेंगे ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आपको आज 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, तो हर बार 2 लाख का प्रॉफिट दिखेगा क्या, कल वैल्यू चेंज होगी, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में कभी भी चीजें सेम नहीं रहती, फाइनेंशियल मार्केट्स में चीजें हमेशा वेरी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो अल्फा है वो वेरी ओवर टाइम। तो ट्रैकिंग एरर क्या करता है, ट्रैकिंग एरर इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड डिविएशन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न एंड बेंचमार्क रिटर्न। तो ये क्या बताता है मुझे, मेरा जो डिफरेंस है मेरे पोर्टफोलियो रिटर्न का मेरे बेंचमार्क रिटर्न से, इसके जो ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना, this difference will keep on changing, तो ये जो डिफरेंस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो मुझे ट्रैकिंग एरर देता है। और ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला ये है, ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आई कांट हेल्प यू, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये पेज पे अलग से लिख के रखना, लर्न कर लेना, ठीक है। यू नीड टू लर्न दिस, आई कांट हेल्प यू आउट हियर। मैंने बता दिया ट्रेनर क्या होता है, लेकिन इसको लर्न करना पड़ेगा। अब इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? इंफॉर्मेशन रेशियो ये बताता है कि जैसे मैंने कोई बेंचमार्क है मेरे पास, ठीक है, मैं बेंचमार्क से मेरा पोर्टफोलियो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हाउ मच बेटर आई एम परफॉर्मिंग इन रिलेशन टू बेंचमार्क पोर्टफोलियो, ठीक है, बेंचमार्क के रिटर्न से कितना मेरा रिटर्न ज्यादा है, तो उसका जो परसेंटेज होगा ना, वो निकालने के लिए मैं इन्फॉर्मेशन रेशियो यूज करूंगी। इसमें क्या आएगी, ये जो है ना आरपी, इसका मतलब क्या हुआ, आरपी मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ बेंचमार्क पोर्टफोलियो, दोनों के जो रिटर्न होंगे डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या था, दोनों के डिफरेंस के स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं एक्टिव रिटर्न भी बोलते हैं, और इसको हम एक्टिव रिस्क भी बोलते हैं। बट ये वाला फॉर्मूला इतना याद रख लेना, तो इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रेशियो के लिए। आई मेरी बात समझ में? Some practitioners refer the numerator as active return and the denominator as active risk. ठीक है, the definition of tracking error, active risk for the denominator of the information ratio is same as the first definition provided earlier. ये क्या बताती है, ये क्या tracking error की definition बता रहे हैं। In short, the standard deviation of difference between portfolio return and benchmark return. ट्रैकिंग एरर क्या होता है, इट इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो रिटर्न एंड बेंचमार्क रिटर्न, इट शोज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस थिंग्स। समझ में आया? कंफ्यूज यहाँ मत होना, ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिटर्न ऑफ बेंचमार्क। अभी नेक्स्ट आता है अपना सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या है, एग्जैक्टली शार्प मेजर जैसे ही। शार्प मेजर क्या था अपना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न था, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें जो रिस्क फ्री रेट है ना, ये चेंज होगा, और चेंज होके इसको चेंज करके हम करेंगे रिस्क फ्री रेट को हम करेंगे मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न से चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी डेफिनेशन नहीं दी है कि सॉर्टिनो क्या होता है, बस सॉर्टिनो का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये कि एग्जैक्टली शार्प रेशियो जैसा होता है, लेकिन ये जो आर एफ होता है ना, इसमें आर एफ की जगह पे मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न होता है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं आर मिनिमम। This return could be determined by the needs of investor, or it can sometimes be equal to risk-free rate. ठीक है, या तो ये इन्वेस्टर के नीड्स के हिसाब से चेंज होगा, या तो कभी कभी ये जो होगा ना, ये इक्वल टू रिस्क फ्री रेट भी हो सकता है, बट ये आइडियल, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आर मिनिमम हमेशा क्वेश्चन में अलग ही दिया होगा। सेकेंड क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग डाउन साइड रिस्क से चेंज करेंगे, ठीक है, डाउन साइड रिस्क। Standard deviation is a type of semi-standard deviation. It measures the variability of only those returns that fall below minimum acceptable return. ठीक है, जो हमारा acceptable minimum है, हम चाहते हैं कि इतना रिटर्न तो होना ही चाहिए, अगर उसके भी नीचे गिरता है तो उसे हम बोलते हैं डाउन साइड रिस्क। समझ में आया? उसे हम बोलते हैं डाउन साइड डिविएशन, सॉरी रिस्क नहीं, डाउन साइड डिविएशन। इसमें से फॉर्मूला समझने की जरूरत है, इसके क्या है ना, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इन लोगों ने। अभी यहाँ पे देखो, इन्फॉर्मेशन रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो का कैलकुलेशन है, सीधा प्लग एंड प्ले। अगर सॉर्टिनो का क्वेश्चन आता है, इन्फॉर्मेशन रेशियो का क्वेश्चन आता है, ट्रैकिंग एरर का आता है, इट्स डायरेक्ट प्लग एंड प्ले। जस्ट फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो लोग कुछ नहीं पूछने वाले एग्जाम में। An active portfolio manager is trying to beat FTSE. ये देखो, ये हमारे एक बेंचमार्क पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये हमारे एक बेंचमार्क पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टर क्या चाह रहे हैं, इन्वेस्टर इस पोर्टफोलियो के रिटर्न को बीट करना चाह रहा है, ठीक है। So the expected rate of the active portfolio and FTSE are 15% and 12%. तो मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा? सिर्फ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो से बता देती हूँ। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मेरा क्या होगा? 15%। रिटर्न ऑफ बेंचमार्क क्या है मेरा? 12%। रिस्पेक्टिवली व्हाइल द ट्रैकिंग एरर इज 9%। इन दोनों के डिफरेंस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर, वो हमें दे रखा है 9%। द मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न इज 4%। इसका मतलब क्या हुआ? आर मिनिमम 4% है। और डाउन साइड डिविएशन क्या दे रखा है? डाउन साइड डिविएशन इन्होंने दे रखा है 7%। ये तीन चीजें यूज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ या ना? ये तीन चीजें फाइंड आउट करके इन्फॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट हो सकता है। ट्रैकिंग एरर आरपी माइनस आरबी, क्या करेंगे? आरपी माइनस आरबी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ बेंचमार्क इनटू डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। ठीक है, ये करके ऐसे हो। सॉर्ट इन क्या होता है? आरपी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस मिनिमम रिटर्न डिवाइडेड बाय डाउनसाइड डिविएशन। समझ में आई मेरी बात? एक बार पढ़ो इतना। शिवम, एक बार ये सब पढ़ लो, मैंने कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया। तीनों एक बार पढ़ो। मैं पहले क्वेश्चन करा दो, फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा है भी नहीं, इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन है। खत्म करा देती हूँ, करा के फिर कल की क्लास में पढ़ के आना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कोई बात नहीं यश, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। For a given portfolio having a trainer measure greater than the market but a sharp measure that is less than market would most likely indicate the portfolio is not cash cancer. कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या है? शिवम, ये होगा। इसमें क्या बोला है कि ट्रेनर रेशियो जो है वो ग्रेटर है हमारा मार्केट से, और शार्प रेशियो जो है वो लेस है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि हमारा पोर्टफोलियो नॉट वेल डाइवर्सिफाइड। कैसे हुआ? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन पोर्टफोलियो हैविंग अ ट्रेनर मेजर ग्रेटर देन द मार्केट बट अ शार्प मेजर, करेक्ट, नॉन वेल डाइवर्सिफाइड। अभी नेक्स्ट करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस मेजर्स द यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे यूज करते हैं? सिर्फ एक ही में यूज करते हैं। ठीक है। For a given portfolio, the expected return is portfolio का क्या expected return? 9%। Portfolio का standard deviation क्या है? 16%। Beta of portfolio क्या है? 0.8। तो market का है अपने को दे रखा है 12%। With a standard deviation market का 20%। रिस्क फ्री रेट दे रखा है 3%। पोर्टफोलियो का अल्फा पूछा है, मतलब क्या होता है? जेनसन्स मेजर पूछा है। ठीक है, जेनसन्स मेजर ऑफ पोर्टफोलियो। जेनसन्स मेजर ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैपएम का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्या होगा? आरएफ प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस आरएफ इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो का अल्फा पूछा है। कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे ईआरपी की वैल्यू क्या होगी? 9% माइनस आरएफ क्या है, ये तो हमारा एक पूरा हो गया। आरएफ क्या है हमारा, क्या दे रखा है 3% प्लस 12% माइनस वापस से 3% इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.8। इसका कैलकुलेशन करके दो मुझे फटाफट। समझ में आया ना मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? देखो यहाँ पे पूछा था पोर्टफोलियो का अल्फा, अगर यहाँ पे पूछते मार्केट का अल्फा तो मैं क्या करती ERM रखती और बीटा को मार्केट करती। ठीक है करेक्ट, मैं एक बार चेक कर लूं यहाँ पे नीचे। मैं करेक्ट बोल रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, एक ही मिनट। हाँ यही है, ठीक है चलो। यहाँ पे ये लोग इन्फॉर्मेशन रेशियो पूछ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रेशियो अपना क्या होता है, आरपी माइनस आरबी डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल इक्विटी फंड है जिसका रिटर्न है 12.5% और फिर इसका बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क 11%। मतलब हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न है 12.5%, हमारे बेंचमार्क का रिटर्न है 11% और हमारा ट्रैकिंग एरर है 10.5% कैलकुलेटेड। देखो बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे इसकी कोई नीड ही नहीं थी पर इन्होंने दिया है, तो ये मत सोचना कि इसको कहाँ यूज करें। आया आंसर किसी का? आ गया। क्या आया? 0.12485। क्या 0 पॉइंट ये होगा, ये 12 minus 11 by 10.5। ये कैसे होगा शिवम इसका आंसर, एक ही मिनट। माइनस 11% बाय, मैंने 10.5 को 1.5 किया आपने कैलकुलेटर में। करेक्ट करेक्ट, स्टिल मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ यही है। चलो सॉर्टिनो रेशियो को कोई मुझे फॉर्मूला बता दो, फिर इसमें तो सॉर्टिनो रेशियो कैलकुलेट करना है, कोई मुझे फॉर्मूला बता दो जल्दी से। शिवम उसको तो नेटवर्क इश्यू है, तुम बताओ। आरपी माइनस आरबी डिवाइडेड बाय, क्या आरपी माइनस आरबी? रुको आरपी माइनस आरएमआईएन। आरएमआईएन नहीं होता वो, ठीक है रिस्क देख के आंसर दिया है, मुझे पता चल गया। ठीक है मिनिमम, हाँ मिनिमम रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसे। ठीक है डिवाइडेड बाय डाउनसाइड डेविएशन। अब यहाँ पे फाइंड आउट करो अपना रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, बी 12%। ठीक है 12% माइनस, हाँ ठीक है मैं बताने तो दो मुझे एक बार। मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न क्या है 6% डिवाइडेड बाय डाउनसाइड डेविएशन 8.2%। इसका जो भी आंसर होगा, क्या है इसका आंसर, क्या आ रहा है? बी 0.7311। ठीक है हो गया। हाँ आज की क्लास एंड कर दो या इतना चालू करूँ नेक्स्ट चैप्टर? 5 मिनट है, 5 मिनट में क्या चालू करना। ठीक है तो ये चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आज, फिर कल क्लास 2 to 5:30 है। ठीक है देख लो, अगर मॉड्यूल 6.1 हो तो। नहीं होगी मैं तो मजाक कर रही थी, बहुत बड़ी मॉड्यूल है 6.1। मैं करके आई थी, मैंने सोचा था मैं करा दूंगी बट ठीक है चलो अभी कल। चलो ठीक है। आप किस दिन पढ़ते हो क्लास लेने के लिए? क्या मैं खुद पढ़ के आती हूँ? हाँ तो मैं पढ़ के आती हूँ ना, तुम मेरे पहले बैच हो, पहले किसी बैच को पढ़ाया नहीं है। नहीं आप कितनी देर पढ़ते हो? क्या मैं कितनी देर पढ़ती हूँ? मैं पहले देखो मेरा 9 to 5 ऑफिस का काम रहता है। अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फिर उसके बाद मैं 5 से 6 में थोड़ा बहुत देख लेती हूँ मुझे क्लास में क्या देखाना है। फिर अभी मेरा हो जाएगा 8:40, 8:15 हो जाएगा तुम पढ़ा के, फिर मैं खुद की पढ़ाई करूंगी 12:30 बजे तक CFA की। हाँ बढ़िया। तो आपका तो बहुत सिमिलर होगा। कितना परसेंट सिलेबस सिमिलर है? कितना परसेंट सिलेबस? 40-45% सिलेबस सिमिलर है, फिर तो थोड़ा अपना भी है। सही है, फिर तो आप हो जाओगे फर्स्ट। देखते हैं ना, अभी मेरे को टाइम कहाँ मिलता है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। बट ठीक है, आई थिंक एक बार ये नवंबर की बैच हो जाएगी, उसके बाद कुछ थोड़ा टाइम मिलेगा, देखते हैं। चलो ठीक है, चलो बाय। 4 से 5:30 क्या? कल 4 से 5:30। हाँ कल 4 से 5:30। ठीक है चलो बाय, ठीक है।